जैसे भी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे पास जो जो वॉल होती है ग्रेन की कौन से वाले ग्रेन की मेचोर वाले की उसके पास यहाँ पे टू लेयर होती है एक आउटर लेयर होती है ठीक है इस आउटर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्साइन और एक हमारे पास इसकी इंटरनल लेयर होती है उसे हम कहते हैं इंटाइन ये जो आउटर लेयर है आउटर लेयर में एक हमारे पास केमिकल कंपाउंड होता है उस केमिकल कंपाउंड का नाम है स्पोरो पॉलिनिन और स्पोरोपोलिन क्या होता है काफी ज्यादा हमारे पास एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी वजह से जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होता है मतलब ये देखा गया है कि जो स्पोरोपोलिन होता है इसको कोई भी एंजाइम्स कोई भी केमिकल कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन मीडियम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है यही रीजन होता है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन से उनको हम उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं एज अ फॉसिल तो क्यों कर पाते हैं क्योंकि उनकी एग्जाइन वाली लेयर में कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है प्रेजेंट होता है। जिसकी वजह से हमारी जो एग्जाइन लेयर को क्या बन जाती है काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है लेकिन बीच बीच में एग्जाइन वाली लेयर में क्या होता है हमारे पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक पोर है इस पोर को हम कहते हैं जॉम पोर और जहां जहां ये जम पोर होता है वहां वहां स्पोरोपोलिन जो है ये आपका क्या होता है एबसेंट होता है और इसी की वजह से जो हमारी ये एग्जाइन वाली लेयर है वो कैसे बनती है डिसकॉन्टिन्यूस होती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछ लेते हैं कि एग्जाइन जो है मतलब एग्जाइन वाली लेयर में जहां स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता वहां पे क्या बनता है जर्म पोर की फॉर्मेशन होती है ये जम पोर का काम क्या होता है अभी जैसे आपने कल भी हमने देखा था कि जो हमारा ये पोलन ग्रेन है बाद में पोलन ट्यूब की ग्रोथ करता है ना तो ये जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो ये ये हमारे पास ये जो जम पोर है ना जर्म पोर के थ्रू ही होती है तो जर्म पोर का बाद में काम होता है पोलन ट्यूब को ग्रो करवाना इसीलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्पोरोपोलिन है वो क्या होता है एबसेंट होता है अब जो इंटरनल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इंटाइन ये क्या होती है आपकी पूरी की पूरी आपकी कॉन्टिन्यूसली अरेंज होती है यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कोई भी नहीं कर रहा है ये आपकी पूरी कॉन्टिन्यूसली अरेंज है लेकिन यहां जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो कौन, कौन 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 से होते हैं एक होता है सेलूस एंड सेकेंड होता है पैक्टिन तो इंटाइन में सेलूस होता है पैक्टिन होता है और ये काफी ज्यादा थिन होती है लेकिन कैसे होती है कॉन्टिन्यूसली अरेंज होती है अब इसके बाद क्या है जो हमारा मेचोर एंथर है ये भी हम कर चुके हैं कि एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और एक हमारे पास छोटा सेल होता है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है अभी अगर हमारे पास इस सेल के अंदर ये क्या है पोलन ग्रेन है अगर वहां पे वेजिटेटिव सेल है और एक हमारे पास वेजिटेटिव सेल है तो पोलन ग्रेन अभी कितनी वाली सेल वाली कंडीशन में है टू टू कंडीशन कंडीशन में है condition का मतलब क्या है पोलन ग्रेन के पास अभी टू टू सेल है एक सेल तो वेजिटेटिव सेल है और एक सेल क्या है जनरेटिव जनरेटिव सेल है अभी जो सेल होता है हमने कहा इसके पास क्या है काफी ज्यादा बड़ा है तो बड़ा होने की वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होगा वो भी काफी ज्यादा हाई होगा और एक्चुअली होता पता क्या कैसा है यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ जैसे देखो ये एक पोलन ग्रेन है और ये पूरा बड़ा हमारे पास कौन है ये ये पूरा बड़ा सेल हमारे पास वेजिटेटिव सेल है तो ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल आपका फ्लॉट कर रहा है और ये स्मॉल होता है इस तरीके से होता है इसीलिए एनसीआरटी में एक लाइन भी है कि हमारे पास जो जनरेटिव सेल होता है वो फ्लॉट करता है आपका वेजिटेटिव सेल के अंदर और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है यहाँ तो नहीं दिखाया गया है लेकिन जनरली कैसा होता है यहाँ पे इसकी शेप होती है इरेगुलर इरेगुलर शेप का इसका न्यूक्लियस होता है और जब हमारे पास ये वाली कंडीशन है तो हम कहते हैं ग्रीन की कैसी कंडीशन है टू सेल्ड कंडीशन है अब आप खुद ही बताइए जब ग्रीन बन चुके हैं उसके बाद कौन सा इवेंट आएगा ग्रीन का गिर जाना किसके लिए पॉलिनेशन के लिए क्योंकि उसको मीट करना है एग के साथ फीमेल गैमेट के साथ अब क्या देखा गया है कि हमारे पास जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है 60% क्या है एंजियोस्पर्मिक प्लांट जब हमारे पास ग्रेन इस टू सेल्ड वाली कंडीशन में होता है टू सेल्ड का मतलब क्या है वेजिटेटिव सेल सेल। एंड तो उसी टाइम क्या होते हैं हमारे जो ये पोलन ग्रीन है, वो गिर, जाते हैं. गिर जाने को कहते हैं शेड, शेड हो जाना शेडिंग हो जाना तो पोलन ग्रेन जो है टू सेल्ड कंडीशन में ही शेड हो जाते हैं इसमें सिक्सटी परसेंट एंजियो स्पॉम लेकिन अब कितने बचे

तो अगर यहाँ पे जनरेटिव सेल आपका गिरने से पहले ही डिवाइड कर चुका है तो यहाँ पेल्ड पे वाली कंडीशन हो गई है थ्री सेल्ड वाली तीन तीन सेल हो चुके हैं तो फोर्टी परसेंट एंज में जब हमारा पोलिंग ग्रेन आपका गिरता है शेड होता है तो उस टाइम पे उसके बाद थ्री सेल्ड कंडीशन होती है ये पॉइंट आपको समझ आया टू सेल्ड एंड थ्री सेल्ड वाला ठीक yes, है बस इतना सही था आपका पोलन ग्रीन के बारे में अब अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हुआ होगा हो एक बार थ्यूरी से देख लेते हैं तो अभी अभी हमने यहाँ पे क्या टू शेल्ड हो तो फिर वो वो फीमेल बॉडी में डिवाइड करता है। हाँ, बिल्कुल जब पे एक्चुअली भी हम करेंगे आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आपको बताऊंगी जैसे ही आपका स्टिग्मा है जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाता है ना जब यहाँ पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है तो उस टाइम पे वो आपका जेनेटिव सेल डिवाइड करता है गिरने के बाद आफ्टर पोलिनेशन ठीक है समझ आ रहा है आपको ऐसे इस पोर्शन को हम करेंगे आगे क्योंकि देखो जब हमारे पास पोलन पोलग्रीन गिर गया ऐसे तो सोचो ना फीमेल के पास कितने सारे पोलन पोलंग्रेन गिरते होंगे लेकिन आपको क्या लगता है कि सब में पोलन ट्यूब बनती है ऐसा नहीं होता ठीक है वो भी आपका एक अलग से टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंट्रोडक्शन कि जो पोलन ग्रेन का जो ये स्टिग्मा होता है और पोलन ग्रेन जो होता है इनके बीच में कुछ इंट्रक्शन होता है और इंट्रक्शन करने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि आप हमारी बॉडी में एंटर करोगे या नहीं करोगे और ये सारा मैकेनिज्म पे केमिकल ही मीडिएट्स करते हैं मतलब केमिकल होता है ठीक है ठीक अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेट है और ये पोलन ग्रेन किससे मिलता है माइक्रोस्पोर से मिलता है और कौन सी डिवीजन होती है वहां पे माइटोटिक डिवीजन होके ही मिलता है कल हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा था अब जर्नली इसका डायमीटर कैसा होता है स्पेरिकल होते हैं शेप में एंड ट्वेंटी फाइव से लेके फिफ्टी माइक्रोमीटर इसका क्या होता है डायमीटर होता है मतलब काफी छोटा है इसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप माईक्रोस्को, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है अब इनका जो साइटोप्लाज्म है उसको कौन सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में ही होती है ठीक है लेकिन इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा हमारे पास एक यहाँ पे टू प्रोमिनेंट लेयर्ड वॉल होती है जो आउटर वाली लेयर है वो कैसी होती है हार्ड होती है और उस लेयर को हम कहते हैं एग्जाइन और ये एग्जाइन लेयर किसकी बनी होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है जो काफी ज्यादा क्या है वन ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है काफी ज्यादा क्या है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल और कितना ज्यादा रेजिस्टेंट है कि ये आप इसको हाई टेम्परेचर दे दो स्ट्रोंग एसिड दे दो स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन मीडियम दे दो वहां पर भी ये सर्वाइव कर सकता है इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता स्पोरोपोलिन को अभी तक इसीलिए हमारे पास जो पोलन ग्रेन है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल क्यों बिकॉज ऑफ ऑफ द प्रेजेंस दिस लेकिन हमारे पास जो पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन वाली जो लेयर होती है वहां पे बीच बीच में क्या होते हैं कुछ अपर्चर होते हैं प्रोमिनेंट अपर्चर है उसे हम कहते हैं जॉमपोर और जमपोर में स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है क्यों होता है क्योंकि जैसे भी मैंने आपको बताया जब बाद में सेल वहाँ पे ट्यूब बनाता है न, तो वहाँ पे स्पोरो क्या होता है? होता है। इसके अलावा जो इनर वॉल है ग्रीन की इंटाइन कहते हैं ये भी थिन होती है और क्या है लेयर है और किसकी बनी होती है सेलोज एंड हमारे पास पेक्टिन की ठीक है अब आगे देखिए हम अभी हमने जो बात की थी कि जो पोलन है है। आपका है। जब हमारे अंदर ही कौन सा न्यूक्लियस होता है ट्यूब न्यूक्लियस होता है ट्यूब न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं क्योंकि वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ करता है अब वेजिटेटिव सेल क्या है काफी ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास जितना भी फूड रिजर्व होगा वो काफी ज्यादा होगा abundant होगा लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है nucleus कैसा होता है इरेग्यूलर शेप का होता है मतलब ऐसा circular नहीं है 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 इस तरीके से होता है, थोड़ा सा जो generative cell है, वो कंपेरेटिवली स्मॉल होते हैं और कहा फ्लॉट करता है साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल समझ आ रहा है आपको वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जनरेटिव सेल क्या कर रहा हूँ पे उसके साइटोप्लाज्म में फ्लॉट कर रहा है और वो छोटा है आपका और 60% में में क्या गया है है कि जो पोलन ग्रीन जो पोलन होते हैं 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 जब वो आप गिर गिर जाते जाते शेड हो जाना तो तो कौन सी वाली इस वाली इस टू सेल स्टेज में ही वो आपके गिर जाते हैं। लेकिन रिमेनिंग रिमेनिंग कितनी बच गई तो भी जनरेटिव से आपका डिवाइड करता है। और कैसे Before pollen grain, shame, जिसे हम कहते हैं थ्री सेल स्टेज तो अभी हमने यही सारी बातें की आपको समझ में आ गई यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है नो मैम ओके तो आप देखिए यहाँ पर भी देख सकते हो ऐसे ये वाली पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है बाय सेलुलर पोलन और यहाँ पे लिखा है ट्राय है. मतलब यहाँ पे तीन सेल है और यहाँ पे टू सेल है ये देख सकते हो आप ये ये जो, जो ये पूरा येलो वाला पोर्शन ये है वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म और इसका न्यूक्लियस है जिसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं और आप देख सकते हो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल क्या कर रहे हैं आप फ्लॉट कर रहा है और ये इसका न्यूक्लियस है लेकिन यहाँ पे देखिए ट्राई सेलर में क्या है ये इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये टू टू सेल बना ली वेजिटेटिव सेल सॉरी जनरेटिव सेल ने तो उसको हम कहते हैं थ्री कंडीशन तो 40 बना हुआ है। आप, ये का, का ही फिगर है ये हमारे पास माइक्रोस्पोर है और माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या करता है जब आपका डिवाइड करता है बाद में तो यहाँ पे क्या प, आपका ये मिचोर पोलन ग्रीन है अब देखिए एक चीज और अब यहाँ पे देखिए ऐसे डिवीजन होने से हमारे पास ये पोलन ग्रेन बनता है आपका माइक्रोस्पोर ये माइक्रोस्पोर है बिल्कुल hmm, माइक्रोस्पोर है और ये पोलन ग्रेन है पोलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल काफी बड़ा है और जेनेटिव सेल के छोटा है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कैसा डिवीजन हो रहा है इक्वल और, और अनइक्वल इक्वल होगा इक्वल कैसे हो रहा है इक्वल होता तो दोनों सेल आपके सेम सेम साइटोप्लाज्म के नहीं बनते अच्छा ठीक है के लिए नहीं हो रहा हाँ जी बिल्कुल हमने वहां पर भी तो वही बात की थी ना जब होता है कि पे होती। एक सेल बहुत बड़ा वही चीज हो रही है इसीलिए जब यहाँ पे बाद में स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है ना तो यहाँ पे एक जगह लिखा जाता है कि एसमेट्रिक डिवीजन होती है एसमेट्रिक का मतलब क्या है नहीं हो रही है एक बहुत बड़ा सेल बन रहा है और एक छोटा सा सेल बनता है और यहाँ पे देखो ये सारी चीजें दिखाई गई है प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के पास क्या होता है वैक्यूल पे तो अच्छा डायग्राम तो है हमारे पास बी ही है ये चीजे दिखाई गई है माइक्रोस्पोर की जब आपका मिच्योर होता है पोलन ग्रेन में तो ये माइक्रोस्पोर है और ये हमारे पास पोलन ग्रेन है तो बहुत बार बहुत सारे बच्चों को माइक्रोस्पोर में और पोलन ग्रेन में भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही अप्लॉयड होते हैं हम कई बार ये बोल देते हैं माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बट डिफरेंस क्या है कि माइक्रोस्पोर जो है वो मियोसिस होकर हमें मिला है एंड पोलन ग्रेन हमें माइटोसिस होकर मिला है माइक्रोस्पोर पहले बनता है पोलन ग्रेन मेच्योर होने के बाद बनता है ठीक है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक्चुअली थोड़ा सा है कि यहाँ पे कैसे कैसे आपके पोलन ग्रेन आपकी मतलब आप यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाता है जैसे यहाँ पे ये हमारे पास मिचोर पोलन ग्रीन दिखाया गया है एक्साइन इंटाइन है और यहाँ पे जर्म पोर दिखाया गया है ये ट्यूब सेल है जिसे हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं ये ट्यूब का न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है जेनेटिव सेल है इसके अलावा और बाद में यहाँ पे क्या बनती है ये देखिए यहाँ पे पोलन ट्यूब बन रही है और ये जो पोलन ट्यूब जो बनती है इसको कौन बनाता है वेजिटेटिव सेल और यहाँ पे क्या है टू मिल गैमिट भी है Osionfish. अब ये जो हमारे पास ये पोलन ट्यूब बनी है ये कहां से बनती है जो ये जितने भी जो जर्म पोर होते हैं ना जम पोर से होते हुए बनती है ठीक है यहाँ पर भी वही वाला डायग्राम है हमारे पास अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की कि पोलन ग्रेन से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और यहाँ पे क्या क्या नुकसान होते हैं तो क्या देखा गया है कि जो पोलन ग्रेन है वहां से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं बहुत सारे एक तो नो डाउट पोलन ग्रेन में नेक्टर भी होता ही है लेकिन इसके अलावा क्या देखा गया है पोलन ग्रेन का हम यूज करते हैं एज अ सिरप उससे हम सिरप भी बनाते हैं उससे हम टेबलेट्स भी बनाते हैं और बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट क्योंकि ये कहा जाता है कि इसमें काफी ज्यादा अच्छी खासी एनर्जी होती है लेकिन बहुत सारे पोलन ऐसे भी होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं ये भी आपने सुना होगा आपने देखा होगा ना जनरली जो हमारे पास फ्लावर ब्रिंग प्लांट होते हैं वहां वहां से ए, ए, वहां से एक, एक, पाउडर फॉर्म में कुछ, कुछ एक चीज निकलती है देखा कभी आपने तो वो जो पाउडरी सा जो सब्सटेंस होता है वही पोलन ग्रेन होते हैं आपने नोटिस हो, किया होगा तो बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं और बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आता है कई बार ब्रॉकाइटिस हो जाता है कई बार अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आ जाती है और इसमें सबसे एक फेमस एग्जाम्पल आता है हमारे पास कैरेट ग्रास का पार्थेनियम आप सबने देखा होगा देखा है सबने पार्थेनियम को उसका मतलब ग्रीन ग्रीन होता है हर जगह मतलब वीड की तरह ग्रो करता है काफी जगह वो ग्रो करता है आपका और उसके जो फ्लावर होते हैं वो आपके व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं देखा है बताइए नहीं मैं याद नहीं, 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 नहीं। देखा जरूर है सॉरी एक्चुअली मैं यहाँ पे पिक्चर नहीं लिखे वैसे मैं, मैं आपको नेट पे दिखा देती हूँ आपने सबने देखा है ये देखिए देखा नहीं है डम्प एरिया में हर जगह ग्रो करता है और yes, और घर वाले बोलते हैं इसके पास नहीं जाना क्योंकि इससे खारिश वगैरह हो जाती है आपने अगर कभी ऐसे सुना हो देखा है ना सबने ये देखिए इसके जो व्हाइट व्हाइट फ्लावर होते हैं yes, कांग्रेस ग्रास कहते हैं हाँ जी कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं कांग्रेस भी बोलते हैं कैरेट भी बोलते हैं तो इसके जो पोलेंग होते हैं ना बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करते हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी आती है मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे पोलग्री ऐसे भी हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां से हमें जिनका हम यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए ठीक है तो उसको ध्यान रखना इसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम ये देख पाको व्हाइट कलर का फ्लावर होता है हर जगह ये होता है आपने अपने आस पास एरिया में हर जगह देखा होगा जितना आप इसको आप इसको काट देते हो ये उसके बाद यहाँ पे दोबारा ग्रो, ग्रो कर जाता है आपने ये चीज भी नोटिस की होगी ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है अभी हम पोलन ग्रेन की ही बात कर रहे थे कि जो पोलन ग्रेन होते हैं बहुत सारी स्पीशीज की वो क्या कॉज करते, है? करते हैं सीवर एलर्जीज कॉज करते हैं ब्रॉन्के

वो क्या थी कॉन्टीमेटेड थी इसीलिए आपको आपको पता होगा कि जब भी कोई एयरपोर्ट में हम यहाँ से कि, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं तो इस चीज बहुत ध्यान रखा जा जाता है कि हम क्या लेकर जा रहे हैं और क्या वहां से लेकर आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है कि अगर वो यहाँ पर एंटर हो जाती है ना तो यहाँ पे उसका बिहेवियर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसका चेंज हो जाता है तो अब हर जगह क्या आप हर जगह देखते हो कोई भी एरिया देखते हो ना एक हमें लेंटना होता है और एक ही पार्थेनियम होता है अब लेंटेना भी आपने देखा होगा अभी आपके माइंड में नहीं लेकिन मैं आपको बाद में दिखा दूंगी लेंटेना और पार्थिनियम ऐसे ग्रास है आपको हर जगह ही मिलेंगे और एक आपका कैस्टर भी होता है जहां आप डे देखो आपको पार्थिनियम भी हर जगह मिलेगा लेंटना भी हर जगह मिलेगा ठीक है तो ये कैसा होता है यूबीक्यूटस इनक्रंस हर जगह होता है और क्या कॉज करता है पोलन एलर्जी कॉज करता है लेकिन बहुत सारे पोलन ग्रीन क्या होते हैं रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में एंड इसीलिए पोलन हम ग्रीन से हम क्या बनाते हैं पोलन टैबलेट बनाते हैं जिसका हम यूज करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट एंड पोलन का कंजप्शन करते हैं टैबलेट की फॉर्म में भी करते हैं सिरप की फॉर्म में भी करते हैं एंड इनक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ तो ये क्या थी इसकी कुछ यहाँ पे uh, मतलब यहाँ पे एडवांटेज भी है और इसकी कुछ द, और इसकी कुछ डिसेज भी है अब यहाँ पर हम बात करेंगे वायबिलिटी की कि जो हमारा पोलन ग्रेने वो आपका कब तक वाइबल होता है मतलब कहने का मतलब ये है कहने का मतलब यह है कि पोलन रेन मान लेते हैं कि हमारे पास शेड ऑफ हो गया ठीक है गिर गया है कहाँ से पोलन सेक्स रिलीज हो गया अब वो गिर तो गया है इन उसके बाद वो कब तक वायबल होगा मतलब कब तक वो क्या है उसके पास एबिलिटी होगी कि वो किसी को फर्टिलाइज कर सकता है वो वायबल कब तक होगा अपनी वायबिलिटी और वो कित, और वो इसके बाद किसके बाद वो लूज करेगा वायबिलिटी समझते हो ना कब तक वो किसी को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल है तो यहां पर देखिए क्या चीज है कि जब एक बार पोलन ग्रीन गिर जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलन ग्रीन को कहां पर लैंड होना पड़ेगा स्टिग्मा के ऊपर कब तक कि वो अपनी वायबिलिटी को लॉस कर दे उससे पहले उसको स्टिग्मा के ऊपर गिरना पड़ेगा तभी वो क्या कर सकता है फर्टिलाइजेशन कर सकता है तो यहाँ पे क्या लिखा है वेन वंस दे आर शेड कौन पोलन ग्रीन सो so, पोलन ग्रीन द स्टिग्मा क्योंकि स्टिग्मा क्या है रिसेप्टिव सरफेस है रिलेट कर पा रहे हो ना फीमेल का ये स्टिग्मा है ये स्टाइल है ये ओवरी है तो उसको गिरना पड़ेगा ना यहाँ पे तो पोलन ग्रेन को यहाँ पे लैंड होना पड़ेगा कहां पे स्टिग्मा के ऊपर किससे पहले कि अपनी वाइबिलिटी को लॉस कर दे क्यों अगर वो चाहता है फर्टिलाइजेशन करना लेकिन हमें क्या लगता है कि ग्रेन कब तक अपनी वायबिलिटी को रिटेन कर पाते हैं तो एक्चुअली जो पीरियड होता है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर जैसे वहां का टेम्परेचर कैसा है ह्यूमिडिटी कैसी है uh, और वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है तो वो वेरी करता है पोलन पोलंग्रेन टू पोलन पोलंग्रीन क्योंकि सारे पोलन पोलंग्रीन का वाइब्रेटी पीरियड सेम नहीं होता है डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट मतलब फ्लावर टू फ्लावर तो पीरियड जो होता है फॉर विच पोलन ग्रीन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल मतलब क्या होता है वेरी करता है एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द समीवेलिंग टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी

डाइकोटिलिडेंस, डाइकोटिलिडेंस में हमारे पास चले आते हैं जैसे ग्राम हो गया चना हो गया तो ये क्या काम करते हैं ये अपना जो फूड होता है वो कॉटिलिडन में स्टोर करते हैं एनमोनोकॉट होता है जिसमें लाइक मेज मेज में देखा होगा आपने आप उसकी ओनली सिंगल कॉटिलीडन होती है उसको आप दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हो तो उसे कहते हैं मोनो अब इसके हमारे पास मोनोकॉट में जितनी भी, कोई भी लैंड पे, किसी भी गार्डन मोनोकोट को ही बिलोंग करता है आपने व्हीट राइस को देखा होगा देखो उसकी शेप भी पूरी ग्रास की तरह ही होती है क्योंकि वो भी इस मोनोकोट को ही बिलोंग करता है तो क्या हमने देखा है कि हमारे पास जो सीरियल्स है सीरियल्स कौन से वाले इसको बिलोंग करते हैं मोनोकॉट को बिलोंग करते हैं सच इज राइस एंड वीट तो वीट और राइस को भी देखा आप उसको दो पार्ट में तोड़ नहीं सकते हो जैसे हम एक चने को तोड़ सकते हैं मटर को तोड़ सकते हैं बीन्स को तोड़ सकते हैं तो पोलन ग्रेन क्या करते हैं हैं लॉस कर देते हैं अपनी वायबिलिटी विद इन दर्टी मिनट ऑफ द रिलीज मतलब जैसे ही रिलीज हुए उसके तीस मिनट के अंदर अंदर ही क्या कर देंगे अपनी वायबिलिटी को लॉस कर देंगे लूज कर देंगे लेकिन हमारे पास जो कुछ किस किस कौन कौन सी फैमिलीज है रोजेस मतलब रोज वाली फैमिली है लेग्यूमिनेसी अब देखिए लेग्यूमिनेसी किसको कहते हैं हम कौन सी फैमिली होती है ये प्लांट्स की। हाँ और क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम क्या है इसका? फिवेसी. पता है आपको मतलब पी वाली फैमिली मटर वाली जो पी है ना वो इसी का एग्जाम्पल होता है पी हो गया ग्राम हो गया अः चिकपी हो गया जितनी भी दाली होती है ना जैसे भी आपको बताइए डायकॉट वाली इसके अलावा सेकेंड फैमिली आती है सोलानेसी सोलानेसी में किसका एग्जाम्पल आता है पोटेटो का टोमेटो तो। का क्या होता है पोटेटो का साइंटिफिक नेम सोलान सोलानम ट्यूब्रोसम ट्यूब्रोसम ठीक है तो हमारे पास ये जो सोलानसी वाली फैमिली है इनकी वायबिलिटी काफी मंथ तक रहती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो कौन है आपका रिलीज हुआ, उसके थर्टी मिनट के अंदर ही वो आपका मतलब तब तक वो आपका वायबल रहता है लेकिन जो हमारे पास रूजेसी फैमिली है लेग्यूमेसी जिससे हम फेबेसी भी कहते हैं एंड सोलानसी ये क्या करते हैं अपनी वायबिलिटी को मेनटेन करते हैं मंथ तक लेकिन इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने टेक्निक सुनी है क्रायो प्रिजर्वेशन कभी सुना क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में आज हम उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन बायोटेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा यूज करते हैं इसका क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है एक टेक्निक होती है और इस टेक्निक में हम क्या क्राइप्रोटीन होते हांजी ये, ये क्राय प्रोटीन होता है कुछ नो 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 बड़ा नो नो, नो क्राय प्रोटीन अलग है वो नहीं वो तो क्राइजीन है वो तो वो तो बीटी कॉटन में चले गए वो नहीं है ये वो, वो अलग है ठीक है क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है एक टेक्निक है और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं हम यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन और उसका टेम्परेचर सेट करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं कोई भी एक लिविंग मटेरियल अब वो लिविंग मटेरियल क्या-क्या हो सकता है सीड हो सकता है स्पर्म हो सकता है कोई भी जींस हो सकती है कुछ भी हो सकता है जैसे आपने सुना होगा ना कई लोग क्या करते हैं अपने सीमन को क्या करते हैं हम वो कहते हैं उसको स्टोर करके रखा हुआ है वो जो स्टोर करके रखते हैं वो यही वाली टेक्निक है लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं टेम्परेचर कितना सेट करते हैं माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस अगर मान लेते हैं जैसे आज आपने देखा होगा टाइगर हो गया, गया लाइन हो गया ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं इनका नंबर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे एनिमल जिनको थ्रेट है बहुत ज्यादा अब क्या हम कर रहे हैं कि हम उनके ना स्पॉर्म ले रहे हैं और उसको स्टोर करके रख रहे हैं बट कहाँ स्टोर करके कर कर रखते हैं इसी में ही इस टेक्निक के थ्रू इस टेक्निक के थ्रू ही रख सकते हैं तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि जो पोलन ग्रेन होते हैं पोलन ग्रेन को भी हम स्टोर करके कर रख सकते हैं माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जिस टेक्निक को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन अभी जब हम आपके इकोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे हम कुछ मेथड पढ़ते हैं कि हम कैसे कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं तो वहां पर भी हम ये मेथड पढ़ते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है एक आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें हम अपना अपना कोई भी जीन हम वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं काफी टाइम तक काफी लंबे टाइम तक जब तक हम चाहें यहाँ पे तो जहां पर अगर अगर हम पोलन ग्रीन को स्टोर करके रख रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पोलन बैंक जैसे सीड बैंक को होता है सीड को स्टोर करके रखते हैं और बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में कोई भी मान लेते हैं कि अभी कोई पोलन पोलंग्रीन की हमें रिक्वायरमेंट है और अगर आज हमने उसको स्टोर करके नहीं रखा और हम चाहते इसको अगर वही पोलन हमें दस साल बीस साल बाद मिले तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है तो अगर हम उसको स्टोर करके रख लेंगे तो तो हम जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है हम उसको वहां से निकाल सकते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए तो यहाँ पे लास्ट लाइन वही है इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज

कोई भी ऐसा कोई डिजायर करेक्टर है जो हम चाहते हैं जैसे हम एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं ना इसी तरीके से हम प्लांट की ब्रीडिंग भी करवाते हैं क्रॉप क्रॉप की भी, की ब्रीडिंग ब्रीडिंग भी भी करवाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ग्रीन को स्टोर कर करके रख रहे हैं तो वो आने वाले टाइम पे जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा वहां पे हमें उसका बेनिफिट मिलेगा ठीक है और टेक्निक का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन और ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ठीक है तो आज इतना ही हम करेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो क्योंकि कल हम आपका फीमेल वाला पोर्शन करेंगे फिर मेल वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है समझ आ गया आपको प्रिजर्वेशन तो आज वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है अब जो कल हमने आपकी एक जनरल क्लास ली थी एक बार उसको भी देख लीजिए और आप ये देख लीजिए कि आज हमने आपका कितना कंप्लीट किया है

वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है बाद में माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन कैसे बनाता है वो भी हमने कर लिया है पोलन ग्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम कर चुके हैं और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है क्या क्या यूज होते हैं वो क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ठीक है